अशोका गार्डन थाना सुंदरकांड पाठ मामले में होगी थाना प्रभारी पर कार्यवाही। पुलिस कमिश्नर भोपाल ने दिया थाना प्रभारी को अशोका नोटिस। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की पुलिस कमिश्नर भोपाल से मुलाकात। पुलिस कमिश्नर भोपाल से मुलाकात कर अशोका गार्डन थाना सुंदरकांड पाठ मामले में की शिकायत। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा अगर बीजेपी नेताओं को थाने में दी जाती अनुमति तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रत्येक थाने में करेंगे धार्मिक आयोजन। थाना प्रभारी अशोका गार्डन के खिलाफ दो दिन में कार्यवाही करने की पुलिस कमिश्नर ने दिया आश्वासन। जीतू पटवारी पूरे देश में एक भाषा है, संविधान के पालन की और संविधान की रक्षा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में बदनाम है कि वो संविधान का पालन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का मोटिव है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी शहादत क्यों नहीं होती। पूरे देश में इस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर्विस बुक की अवहेलना करना, सर्विस बुक की का उल्लंघन करना, कर्मचारी अधिकारियों ने एक तरह से अपनी हॉबी बना ली। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपना अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो, सुंदरकांड करने की अनुमति दो। कांग्रेस के एक प्रभाग मंडल के एक ज्ञापन दिया गया जिसमें कल की घटना को लेकर के ज्ञापन, इसमें कल थाना क्षेत्र एक थाना स्तर पर इसमें एक अनुमति दी गई। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल इस तरह के स्थल थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानतः अनुमति नहीं दी जाती। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई और इससे ये थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में